खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई की जो स्थिति बनी हुई है, यूक्रेन के खार्किव में रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। बीते एक हफ्ते से यूक्रेन को तहस नहस कर देने पर रूस आमादा है। वीडियो बनाते समय एक शख्स के करीब गिरा मिसाइल, ये तस्वीर आपके सामने है। मिसाइल हमले में ये शख्स बाल बाल बचा है, ये यूक्रेनी नागरिक है। तस्वीरें देखिए, वो वीडियो बना रहा था जिस तरह का हमला हो रहा था खार्किव पर। रूस का करीब करीब कब्जा हो चुका है, लेकिन इस शख्स के भीतर डर और दहशत का आलम क्या होगा। जब वो वीडियो बना रहा था तभी अचानक, देखते हैं इन तस्वीरों को। Сбор денег снова. वीडियो बनाते समय इस शख्स के बिल्कुल करीब गिरा मिसाइल। आपने देखा किस तरह से ये यूक्रेनी नागरिक वीडियो बना रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त खार्किव में इसके बिल्कुल करीब गिरता है मिसाइल, जिसके बाद डर। एक बार फिर से सुनते हैं। только что заработали терминалы в росте, вот мы скупились, поразвозились, сейчас все закинем в метро и мы кончились, поэтому если сбор денег снова. खार्किव में सब कुछ तहस नहस कर देने पर रूस आमादा है। इन सब के बीच ये तस्वीरें जो आपको बताने के लिए काफी है कि खार्किव में जो यूक्रेन का एक अहम शहर है, वहां पर इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है। पहले पुलिस विभाग की इमारत को नेस्तनाबूद किया, नेशनल यूनिवर्सिटी को तोड़ा, उसके बाद फ्रीडम स्क्वायर पर मिसाइल हमला किया। ताबड़तोड़ हमले खार्किव में लगातार जारी है। ये शख्स वीडियो बना रहा था, उसी वक्त देखिए बिल्कुल करीब आकर गिरती है मिसाइल और उसके बाद किस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। डर और खौफ इस शख्स के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है और यही स्थिति खार्किव में मौजूद हर एक नागरिक के सामने है।